तो अभी जो है शिवानी कुमारी कानपुर में आ चुकी है, उनका इस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो, ये है कुछ इस तरह से कानपुर का एयरपोर्ट जहाँ पर शिवानी कुमारी आ गई हैं। ये सामने अगर आप देखिए तो ये कुछ इस तरह से जो है पब्लिक यहाँ पर जुटी हुई है उनके स्वागत में, और लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो कानपुर के इस एयरपोर्ट पर जुड़ गई है। आप भीड़ देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और कानपुर में आज इनका रोड शो भी होने वाला है, तो वो भी आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कानपुर के सेंट्रल में आप लोग देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा जो है हो गई है, कितने सारे लोग जो है यहाँ पर हैं। इसके बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक तो कुछ ही लोगों को जो है आने दिया गया है, इसके बाहर बहुत ही सारी पब्लिक है। यहाँ पे तो सिर्फ जितने भी क्रिएटर और जो न्यूज़ वाले हैं वही यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पब्लिक जो है वो आप लोगों को बाहर देखने के लिए मिलेगी। तो चलो दिखाते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सामने जो है शिवानी कुमारी कानपुर की शान, जो कि बिग बॉस में थी, और आप लोग ने इनके वीडियो देखे ही होंगे। अगर आप लोग कानपुर या फिर गांव क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो इनके वीडियो आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो फिलहाल चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये कानपुर में आई हुई हैं, और जीत का जश्न कैसा है कानपुर में, कैसा क्या इनका जो रोड शो होता है वो भी देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ये आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। चारों तरफ भीड़ है ही, ये तो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर का माहौल है। अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है माहौल एयरपोर्ट का जो गेट है अंदर का वहाँ का है, और इसके बाहर का जो माहौल है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अभी जो है गाड़ी में जो है बैठ चुकी है, और इनका जो है रोड शो होगा जो कि यहाँ से लेकर कल्याणपुर तक, जहाँ ये इल्डको में रहती हैं वहाँ तक का जो है पूरा जानकारी देंगे, किस तरह से जो है इनका रोड शो होता है वो भी देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। पब्लिक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पब्लिक जो है यहाँ पर जुटी हुई है इनके स्वागत में, और ये यूट्यूब वाले बाबा जी भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर जो है यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं। साथ में बाउंसर तो आप देख सकते हो, कम से कम 5-6 बाउंसर जो है वो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई पब्लिक ज़्यादा जो है यहाँ पर है, और आप लोग हाल तो देख ही सकते हो किस तरह से हाल है। वीडियो वगैरह बनाने में जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पब्लिक जो है इतना ज़्यादा है, और इसलिए जो है वीडियो भी सही से नहीं बन पाएंगे लोगों के। भीड़ तो आप देख ही सकते हो किस तरह से जो है यहाँ पर सारे पब्लिक जुटी हुई है। सबसे बढ़िया तो भाई यूट्यूबर है यहाँ पे, भाई वीडियो बजा रहा है, ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भाई दूर से ही जो है देख रहे हैं, कोई पास तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। यूट्यूबर ही इतना गुस्सा पड़ा हुआ है, मीडिया वाले कहाँ से पास में पहुँचेंगे। फिलहाल अभी इनका जो है यहाँ पर शो जो है वो चालू हो चुका है, और अभी हम लोग आधी दूरी पे आ गए हैं करीब जो है ये किदवई नगर के पास में, और ये इस तरह से जो है माहौल अभी आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग जो है इनके स्वागत के लिए जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल जो है वो देखने को मिला है। गाड़ी पे जो है शिवानी कुमारी हैं, पीछे जो है अभिषेक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है इनका पूरा काफिला जो है वो आप लोग देख ही सकते हो। शायद ये जो है वीडियो इनके चैनल पर आएगा, और अभी ये कुछ इस तरह से अब माहौल देख सकते हो इस तरह से जो है माहौल है यहाँ का, कितने सारे लोग जो है इतना जो है क्रेज है लोगों का। और ये कुछ इस तरह से अभी जो है हम आ चुके हैं यहाँ पर किदवई नगर में ही, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से माहौल है, और लगातार इनका जो रोड शो है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से माहौल आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है माहौल दिख रहा है। ये जो है माहौल है जो आप विजयनगर है, विजयनगर से चलोगे आप कल्याणपुर की तरफ तो जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है माहौल देखने को मिला है, नमक फैक्ट्री चौराह के आगे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर आप देखो कितने सारे लोग जो है उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी हम नमक फैक्ट्री चौराह से आगे कल्याणपुर की तरफ जो है वो आ चुके हैं, और ये कुछ इस तरह से आवास विकास में इनकी रैली जो है वो आ चुकी है, और ये कुछ इस तरह से माहौल आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो है उनके स्वागत में, और कितनी पब्लिक जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये अगर आप देखिए कुछ इस तरह से जो है इनका जो रोड शो है वो लगभग जो है उनके घर के पास तक पहुँच ही गया है, और कल्याणपुर में ही रहते हैं, कल्याणपुर के वो जो है कॉलोनी है वहीं पर लोग रहते हैं। तो चलो चलते हैं और बनाए रहिएगा वीडियो पे। धीरे धीरे शाम भी हो रही है, जैसा कुछ होगा मैं आप लोगों को जो है दिखाने की कोशिश की करूँगा, और कैसा क्या पूरा जो है यहाँ पर माहौल है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल जो है अभी अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे से,
और ये कुछ इस तरह से जो है लगभग जो है इनके घर के पास हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी शाम का समय हो गया है और हम आ चुके हैं एडको के पास में। पब्लिक आप देखो भाई, चारों तरफ जो है जाम लगा हुआ है। मतलब जितना पब्लिक जो है एयरपोर्ट के पास में नहीं थी, उतनी जो है यहाँ पर आ गई है। और ये अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से जो है जो चारों तरफ का माहौल, चारों तरफ भाई चक्का जाम हो गया है। लोग बोलते हैं इसका मीटअप, उसका मीटअप, शिवानी कुमारी का भाई देख लो, अभी तो मीटअप ही नहीं है, तो सिर्फ एक रोड शो ही था वापस आने पे। और पब्लिक जो है देख रहे हो कितनी जो है जमा हो गई भाई, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि हाँ भाई आने वाले हैं या कुछ है। अभी कानपुर के कल्याणपुर में आ चुके हैं। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से माहौल है। और कल्याणपुर के सिवली रोड पे हैं अभी हम, और यहीं पे आगे चल के इल्को लेनी है जहाँ पर जो है शिवानी कुमारी रहती है। तो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल है। और देख रहे हो भाई साहब भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी आ चुके हैं इल्को कॉलोनी सामने, और यहाँ पर जो है सभी लोग जो है जमे हुए हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरा काफिला है। और यहाँ पर लोग देख रहे हो खड़े होकर देखने में लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर है, ये है एल्डको कंट्री, जो कि यहाँ पर शिवानी कुमारी रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है, और किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा मॉल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। एल्डको कॉलोनी के बाहर ही ये कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टेज बना के रखा गया है। कानपुर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। और ये कुछ इस तरह से है एल्डको कॉलोनी सामने, और ये जो सामने स्टेज लगा हुआ है जहाँ पर जो है यहाँ पर शिवानी कुमारी को आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से जो है भीड़ है, भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से देख सकते हो वीडियो बनाने में जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है। पब्लिक इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने वाला नहीं, मतलब ऐसा है कि भाई क्रेज है एकदम से पूरा। तो ये देख रहे हो कितना सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर मंच भरा पड़ा हुआ है, लोग जो है बहुत ही भारी भीड़ में है। और ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये जो है शिवानी कुमारी का वेलकम जो है कानपुर में हुआ है, किस तरह से स्वागत हुआ है, किस तरह से पूरी भीड़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिलहाल शिवानी कुमारी यहाँ से जा रही है और एल्डको कॉलोनी की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से जो है पूरा प्रोग्राम था, किस तरह से जो है यहाँ पर शिवानी कुमारी अभी अंदर की तरफ जा रही है, आप लोग देख ही सकते हो। तो ये है एल्डको कॉलोनी, यहाँ पर शिवानी कुमारी रहती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जो है मैंने दिखाया किस तरह से उनका प्रोग्राम था। और